बहुत बड़ी समस्या आज की तारीख में भाई तंबाकू और तंबाकू उत्पाद के लेके मेनली हमारे युवा हैं वो इसके बाद बड़े अक्सर। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान के तहत अजमेर में भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में सीएमएचओ के सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से वाहन और रथ के जरिए रैली निकाली गई, साथ ही मानव श्रृंखला बनाकर आमजन तक तंबाकू से होने वाले रोग और बीमारी के बारे में संदेश पहुंचाया जाएगा। रैली में युवाओं द्वारा झांकी के जरिए तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में आमजन को जानकारी दी गई। देखिए अभी राज्य सरकार की बहुत बड़ी योजना है तंबाकू मुक्त राजस्थान, उसके तहत अजमेर जिले को भी तंबाकू मुक्त करने के लिए कई प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, ब्लॉक स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, शहरी स्तर पे। तो आज हमने इसी कड़ी के अंदर अजमेर शहर के अंदर एक रैली का आयोजन किया है, जिसमें हमारे NGOs हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे ANMs हैं, हमारे चिकित्सा अधिकारी है और हमारा स्टाफ है। रैली का मकसद एक जागृति के अभियान के तहत है। रैली अभी यहाँ से होते हुए बजरंगगढ़ जाते हुए एक मानव श्रृंखला बना के यहाँ पे एक चौपाटी पे आके इसका समापन होगा। वहाँ पे एक साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया है और साथ ही एक नुक्कड़ नाटक और एक साथ में एक रथ भी अपने एक दिनभर के प्रचार प्रसार के लिए किया ताकि लोगों को अवेयर कर सके। अगर आपको ध्यान है तो बहुत बड़ी समस्या आज की तारीख में भाई तंबाकू और तंबाकू उत्पाद को लेकर मेनली हमारे युवा हैं वो इसके बाद बड़े अक्सर हो रहे हैं और ये व्यसन के कारण मैक्सिमम कैंसर और अन्य बीमारियां जो समाज को जगड़ रही है इनको दूर करने के लिए एक अभियान किया गया। अजमेर जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। आज भी उसी क्रम के अंदर हमारे यहाँ पर एक रैली भी निकाली जा रही है, एक रथ भी चलेगा और जितने भी हमारे बच्चे हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, आशा हैं, ANM हैं, वो सभी के सभी इस मुहिम के अंदर जुड़ के सब लोगों को अवेयर करने की इस दिशा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं कि तंबाकू जो है हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है और किस हिसाब से उसको तंबाकू मुक्त किया जा सके। हमारे जो अनेक नियम हैं उसके हिसाब से भी पब्लिक प्लेस के ऊपर तंबाकू का सेवन एकदम बैंड है, साथ ही साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास भी तंबाकू का सेल बैंड है। तो एक अवेयरनेस का काम भी है और साथ ही साथ एनफोर्समेंट का काम भी है, जिससे हमें मानते हैं कि तंबाकू का जो यूज़ है वो धीरे धीरे करके और कम। आज विशेष यहाँ पर भारत सरकार की ओर से जो जन अभियान चल रहा है, रैली चल रही है, इसमें अजमेर जिला के अंदर में यहाँ पर विशेष तंबाकू से मुक्त कैसे बने उसके लिए अभियान रैली आज यहाँ पर स्टार्ट हुई है, जिसमें हम तंबाकू से होने वाले जो नुकसान है उसके बारे में जागृति सभी को लाई जाएगी और साथ में ये संकल्प भी दिया जाएगा कि किस प्रकार हम अपने अंदर की इस विकारों को और बुराइयों को नाश कर सकते हैं। उसके लिए ब्रह्मा कुमारी सदैव इस अभियान के साथ सहयोगी बनकर के रहेगा और हम सभी सहयोग के द्वारा व्यसनों से मुक्त होने के लिए युवाओं को भी जागृत करेंगे और साथ में सभी देशवासियों को भी जागृत करेंगे। इस अभियान के लिए हम सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने पंचशील नगर अजमेर। संपर्क करें 7300303072 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार फाईसागर रोड अजमेर, या फाईसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार फाईसागर रोड अजमेर।